नमस्कार, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। हरा सोना के नाम से मशहूर बांस का खेती सदैव फायदे का सौदा साबित हुआ है। यह वह फसल है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देती है। जिले में तुरी परिवारों की संख्या हजारों में है जो परंपरागत रूप से बांस के उत्पादन से टोकरी, सूप, डलिया, गेड़ुआ सहित कई सामग्री वर्षों से परंपरागत रूप से बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। जिला में बांस बहुतायत में पाया जाता है जिससे रोजगार की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन ने बांस पर आधारित व्यवसाय में लगे कारीगरों की कमर तोड़ दी है और इनके हुनर में भी कोरोना के कारण ब्रेक लग गया है। इनकी स्थिति इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। बाजार के अभाव में इस परंपरागत पेशे से जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के समक्ष रोजी रोटी की गंभीर समस्या उत्पन्न होने लगी है। सरकार द्वारा इस व्यवसाय के विकास के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए जाने के कारण इस पर आश्रित लोगों की कमर टूटने लगी है। पढ़ाई के बाद बच्चे भी अपना हाथ बटाते हैं। तुरी समुदाय की ज्यादातर महिलाएं घरेलू कामकाज के बाद बांस की कटाई व तराशने में जुट जाती है। घर में सामान तैयार होने के बाद इन्हें आसपास के बाजारों में जाकर बेचती हैं। बाजार में बिक्री नहीं होने पर वे लोग गांव में घूम घूम कर बेचती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी अपनी इच्छा से काम में रुचि लेते हैं जिससे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनके काम में भी निपुणता आती है। उद्योग लगे तो बढ़ सकता है कारोबार। गौरतलब है कि जिले में बांस से सामग्री बनने के लिए एक भी उद्योग नहीं लगा है और न ही इनकी बिक्री के लिए खास बाजार भी उपलब्ध है, जिसके कारण बांस से सामग्री बनाने वालों का कारोबार आसपास के हाट बाजारों तक ही सीमित है। ग्रामीणों ने कहा, अगर उद्योग लगने के साथ साथ बाजार की भी सुविधा हो तो उनका कारोबार बढ़ सकता है। झारखंड के लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए झारखंड टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।